हम देखो ये बिच्छू बूटी तोड़ के ला चुके हैं। तो देखो ये बिच्छू बूटी कितनी अच्छी है, बढ़िया बढ़िया बिच्छू बूटी तोड़ के लाए हैं। अभी हमने इसको धो दिया है पानी में, इस चमटे की सहायता से ही धोया जाता है, हाथ नहीं लगाया जाता। ये बहुत बुरे तरीके से काटती है, इसीलिए इसको इसकी सहायता से धोया जाता है। तो अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसको कुकर में डालेंगे बॉईल करने के लिए। तो दोस्तों हमने ये कुकर ले लिया, इसमें ना 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो अब ये पानी थोड़ा थोड़ा सा, 1 गिलास पानी, जब पानी उबलने लग पड़े तो तब इस बिच्छू बूटी को इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दो, ऐसे करके इसमें डालते जाओ। अच्छे से पूरा डाल लेना है इसको, बढ़िया तरीके से ये पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। बेशक बहुत ज्यादा देखने में बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन ये इसमें पूरा सेट आ जाएगा आराम आराम से। दोस्तों देखो ये इसमें मैंने सब डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से पिघल जाए। ये हल्का सा नमक डाल दिया हमने, और नमक डालकर इसको हम बंद कर देंगे, इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक बिच्छू बूटी बॉईल हो रही है, तब तक मैं ये लहसुन की कलियां लाई थी तोड़ के, ये बहुत ही अच्छी बनती है बीच में, तो मैं इनको काट लूंगी, बारीक बारीक काट लूंगी। तो ये मैंने देखो ये बारीक बारीक काट ली है, अब हम इसके साथ और कुछ भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये देखो मैंने ये मक्की का आटा ले लिया थोड़ा सा, और ये देखो ये सूखा धनिया, ये लहसुन, और ये देखो ये लाल मिर्ची, और ये कटी हुई ये लहसुन की लीव्स ले लिए मैंने, और साथ ही साथ ले लिया ये मैंने जखिया, इसको बोलते हैं पहाड़ी जीरा, उत्तराखंड में पाया जाता है ये ज्यादा करके। ये जखिया, ये मैं आपको दिखा देती हूँ सामने से, ये कैसा होता है ये देखिए, ये सरसों के दाने की तरह होता है, इसको पहाड़ी जीरा के नाम से जाना जाता है। ये जखिया, ये सभी इंग्रेडिएंट इसमें यूज होंगे। तो चलो देखते हैं हमारी बिच्छू बूटी तैयार हो गई है या नहीं। तो चलो दोस्तों देखते हैं, ये अभी तैयार हो चुकी होगी, अभी हमने बंद कर दिया था गैस को। तो ये देखो दोस्तों ये अच्छे से पक चुकी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अभी हम इसको अच्छे से घोल देंगे चम्मच की सहायता से, हल्के हल्के तरीके से इसको दबा देंगे। इससे इसके कांटे बिल्कुल पिस जाएंगे। इसको हमने हल्का हल्का पीस दिया है, तो ये अच्छे से पीसी नहीं जाती। तो इसमें हम थोड़ा सा ये ले लेंगे मक्की का आटा, और इसको इसमें डाल देंगे। आप बेसन भी ले सकते हो, इसमें बेसन भी यूज कर सकते हो। हमने इसमें ये मक्की का आटा लिया है, इसको इस तरह डाल देंगे, और फिर इसको चला देंगे अच्छे से। ये इसको अच्छे से पीस देगा, बिल्कुल बारीक कर देगा। इसी तरह हल्के हल्के इसको चलाते जाना है। और इसको पीस देना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखो दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा मक्की का आटा ऐड करते जाना है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, बस इस तरह ही चलाते जाना है। तो ये देखो दोस्तों मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है,
इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है आपने, ताकि ये आटा डालने से घना हो जाता है काफी ज्यादा, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से घोट लेना है। ये देखो ये सरसों के साग की तरह बिल्कुल ऐसे बारीक हो जाता है ना, इसको अच्छे से घोल के रख लेना। तो अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो दोस्तों ये देखो मैंने ये लहसुन ले लिया था, अभी इसमें हम थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे और ये मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस लेंगे। तो ये देखो ये अच्छे से पिस चुका है। अब तो ये देखिए अब हम इसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा, ये हमने हल्का सा तेल ले लिया, अभी इसको थोड़ी देर गर्म करेंगे। तो ये देखो हम अभी इसके बाद डालेंगे, तेल गर्म होने के बाद ये डाल देंगे थोड़ी लाल मिर्चें, और इन लाल मिर्चों को अब इसके बाद डाल देंगे हम ये धनिया, और ये डाल देंगे हमने ये जो लिया था झकिया, और झकिया डालने के बाद हम ये डालेंगे लहसुन, और जो लहसुन मिर्च और नमक पीसा था हम वो इसमें डाल देंगे। और ये लहसुन की हरी लीफ भी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है डालने की, क्योंकि डालोगे तो ज्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। अब हम इसको हल्का हल्का भूनेंगे, तो ये हल्का हल्का भूनना है, इसको ज्यादा पकाना नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा रखना है लहसुन को, ताकि इसकी खुशबू रहे। तो उसके बाद जो हमें ये बिच्छू बूटी घोल के रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये हमने डाल दी इसमें, ये देखिए अभी हम इसको थोड़ी देर पका लें। हम इसे 10 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद इसे उतार देंगे। बता दो तो ये हमारा बिच्छू पुट्टी का साग बनके तैयार हो गया है। तो अब आप इसको रोटी चपाती के साथ या मक्की की रोटी के साथ या किसी भी रोटी के साथ बैठ के खा सकते हो। ये है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।